नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भूमिका, आपकी टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर और लाइफ कोच। हम बात करते रहते हैं हमेशा नई नई रेमेडीज़ के बारे में, और आज जो है मैं आपको बताने जा रही हूँ रामनवमी का उपाय। रामनवमी में बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि नवरात्रि के बाद हम जो कंजके जिमाते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं, वो नहीं करा पा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा कि लोगों के मन में शंका है कि किस तरह घर में रह के पूजा पाठ हो, तो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जो पूजा पाठ आप घर के मंदिर में आपने शुरू की है, माँ के साथ जो भक्ति का एक कनेक्शन आपने जोड़ा है, कहीं नहीं गए हैं नवरात्र का, इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि ये समय आपने अपना जो घर में ही बिताया है इस नवरात्र में, ये हमेशा याद रहेगा और इसका फल भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी बात कि कंजके नहीं जिमा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप दो चीज़ें कर सकते हैं। पूर्णिमा जो आ रही है उस समय तक भी कर्फ्यू नहीं खुल रहा है, तो आप उसके बाद नेक्स्ट पूर्णिमा जब आती है उस समय कन्या भोज करा सकते हैं। पूर्णिमा के दिन कन्या भोज कराने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और आपका जो व्रत है ये खोलने के लिए, यदि रामनवमी के दिन आप हल्का सा एक हवन घर में करते हैं, ये भी बहुत बहुत कारगर होगा। यदि हवन में आप 5 चीज़ें मिला लेते हैं तो लक्ष्मी का आगमन आपके घर में बहुत शुभ होगा, और वो चीज़ें हैं आपका, सबसे पहले कपूर लीजिए, जो हवन सामग्री है उसमें हवन सामग्री में घी मिलाइए, कपूर मिलाइए, और साथ में मिलाइए कुछ लौंग और दालचीनी। कमल गट्टे यदि उपलब्ध हैं आपके पास तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, और इन चीज़ों से आप हवन कर दीजिए। माँ का जो भी मंत्र आपको आता है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणी संसिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै लक्ष्मी रूपेणी संसिता, इस तरह भी आप ये मंत्र का जप कर सकते हैं, और आप जो है गायत्री मंत्र से भी आहुति दे सकते हैं। तो आप जो है बहुत सिंपल साधारण तरीके से अपनी नवरात्रि का, रामनवमी का जो करना चाहते हैं, जिस तरह से हमारा जो पारंपरिक है कि बहुत ज़्यादा हम उत्साह और उत्सव के तौर पे उसको मनाते हैं, कोई बात नहीं, सिंपल तरीके से मनाइए, माँ से भक्ति का कनेक्शन जोड़ो। धन्यवाद।